चेन्नई और आरसीबी की जीत से बिगड़ा प्लेऑफ का गणित। रन रेट सुधारने के लिए आरसीबी को कितने रनों की चाहिए जीत। चेन्नई, आरसीबी, लखनऊ, गुजरात और दिल्ली के पास आखिरी चांस। आईपीएल 2024 के लगभग लगभग अब 6 से 7 मुकाबले बचे हैं। इन 6 से 7 मुकाबले तक अभी ये नहीं कंफर्म हुआ कि कौन कौन सी टीमें प्लेऑफ में जाएंगी, कौन कौन सी टीमें बाहर हो जाएंगी। सिर्फ 3 टीमें ऐसी हैं जिनके आगे एलिमिनेटर लग चुका या फिर क्वालिफाई लग चुका है। पहले वो जता देता हूँ, केकेआर क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है, जबकि मुंबई और पंजाब आईपीएल से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन अब सवाल है कि बाकी बची 7 टीमों का क्या होगा, कौन कौन सी टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी, किस टीम के कितने परसेंट चांस हैं। तो पहले बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की, जिसके पास 16 पॉइंट हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पास 80% चांस है कि वो प्लेऑफ खेल सकते हैं। वहीं हैदराबाद के भी 80 या 70 के आसपास चांस हैं। तो चलिए बात करते हैं इस पूरे सिनेरियो की, कौन कौन सी टीमें कितना दमखम रखती हैं, चौथे स्थान पर जो 5 टीमों में लड़ाई है उनमें से कौन मारेगी बाजी। राजस्थान ने अब तक 12 मैच खेले हैं, 12 में से 8 जीते हैं, 4 हारे हैं, 16 पॉइंट है उनके पास। अब उनके 2 मुकाबले बचे हैं। अगर बाकी बचे 2 मुकाबलों की बात की जाए तो उन्हें एक मुकाबला खेलना है पंजाब से 15 मई को, जबकि दूसरा मुकाबला खेलना है कोलकाता से 19 मई को। अब इन दोनों मुकाबलों में से अगर राजस्थान एक भी मुकाबला जीतती है तो 18 पॉइंट के साथ क्वालिफायर में बड़े आराम से पहुंच जाएगी। लेकिन कुछ लोग पूछेंगे कि क्या दोनों हार जाए तब पहुंचेगी, तो हाँ, 16 पॉइंट है, रन रेट थोड़ा बेहतर है, इसलिए 16 पॉइंट के साथ वो अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं दोनों मुकाबले हारने के बाद। बस उम्मीद करें कि लखनऊ का रन रेट कम रहे और साथ साथ सीएसके आरसीबी से हार जाए, बस इतना हो जाए तो राजस्थान बड़े आराम से पहुंच सकती है। बात करें अगर तीसरी टीम की, जो है सनराइजर हैदराबाद, जिसके भी चांस 70 से 80% हैं, क्या वो पहुंचेंगे, क्योंकि अब तक उनके पास सिर्फ 14 पॉइंट हैं। तो चलिए बताता हूँ उन्होंने अब तक कितने मुकाबले खेले हैं। हैदराबाद ने 12 मैच खेले हैं, 12 में से 7 जीते हैं, 5 हारे हैं और 14 पॉइंट हैं। उनके भी 2 मुकाबले बचे हुए हैं, जिनमें गुजरात टाइटंस से 16 मई को खेलेंगे और पंजाब किंग्स से 19 मई को। अब जो सवाल है कि 14 पॉइंट के बाद क्या ये प्लेऑफ में पहुंचेंगे, तो एक मुकाबला जीतते ही 16 पॉइंट के साथ प्लेऑफ में इनकी दावेदारी बहुत मजबूत हो जाएगी और रन रेट इनका काफ़ी बेहतर है। अगर दोनों मुकाबले हार जाते हैं तब इनके ऊपर प्लेऑफ में ना पहुंचने का खतरा मंडराएगा, और उसमें भी अगर इनका रन रेट थोड़ा डगमगाता है तो 14 पॉइंट पे तो शायद ये टीम ना पहुंच पाए। अब 3 जगह तो जा चुकी है जहां पर 3 दावेदार बड़े बड़े हैं। एक तो केकेआर खत्म कर चुकी है स्पॉट, राजस्थान का स्पॉट बनता है, हैदराबाद के चांस ऐसे है नहीं जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें कोई 2 मैच हरा सकता है। एक जगह बचती है, टीमें बचती हैं 5। नंबर 4 पे कौन सी टीम पहुंचेगी, चेन्नई, आरसीबी, दिल्ली, लखनऊ या फिर गुजरात। ये 5 टीमें हैं और इन्हीं 5 टीमों पर सारा आईपीएल प्लेऑफ का सिनेरियो डिपेंड करता है। पहले बात करते हैं सीएसके की, जिसके चांस थोड़े ज़्यादा हैं चारों 5 टीमों के। बात अगर सीएसके की करें तो सीएसके ने 13 मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, 6 हारे हैं, उनके पास 14 पॉइंट हैं। अब उन्हें अपना आखिरी मुकाबला खेलना है आरसीबी से, जो आरसीबी के होम ग्राउंड पे हैं। सीएसके के पास 14 पॉइंट है, अगर ये मुकाबला सीएसके जीत जाती है तो सीएसके गाजे बाजे के साथ प्लेऑफ खेलेगी। अगर ये मुकाबला सीएसके हार जाती है तो इतने कम मार्जिन से हारे कि उनका रन रेट आरसीबी से बेहतर रहे, और उम्मीद करें कि लखनऊ एक मुकाबला हार जाए और सीएसके तब पहुंच सकती है इस बार प्लेऑफ में, यानी मुकाबला हारने के बाद भी सीएसके पहुंच सकती है, बस अपना रन रेट सही रखे। तो सवाल ये उठता है क्या आरसीबी पहुंचेगी? जी हाँ, आरसीबी के भी थोड़े से चांस है, और आरसीबी ना इस तरह से करिश्मा करके आ रही है तो सबको लगने लगा कि शायद इनके साथ इस बार किस्मत मेहरबान है। कैसे? क्योंकि आरसीबी ने अब तक इस सीजन में 13 मुकाबले खेले हैं, 13 में से 6 जीते हैं, 7 हारे हैं, 12 पॉइंट हैं। अब उनका आखिरी मुकाबला जो है वो है चेन्नई से। अब चेन्नई से आखिरी मुकाबला है, चेन्नई से रन रेट तो पहले ही आरसीबी का कम है, तो इस जीत के साथ उम्मीद करनी होगी जो सीएसके को हराएं, उस हराने में 200 रन बनाएं और कम से कम 18 से 20 रनों से ये मुकाबला जीतें। अगर रन पहले बनाते हैं, अगर चेस करते हैं तो कम से कम 3 से 4 ओवर पहले मुकाबला अपने नाम कर लें, जिस वजह से उनका रन रेट सीएसके से बेहतर हो जाए और 14 पॉइंट के साथ इनकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी। फिर एक किस्मत इनका सहारा दे दे, लखनऊ एक मुकाबला हार जाए, आरसीबी बड़े आराम से IPL 2024 के प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, यानी फिर मुकाबला खेला जाएगा हैदराबाद, राजस्थान, केकेआर और आरसीबी, इन 4 टीमों के बीच। ये एक सिनेरियो है और सीएसके आरसीबी इसमें प्रबल दावेदार हैं।
एक टीम और है लखनऊ, जिसकी चर्चा कम है क्योंकि हैदराबाद से इस तरह से हार के आए हैं, लेकिन उनके पास चांस सीएसके के बराबर ही है। क्यों? क्योंकि लखनऊ ने अब तक 12 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, 6 हारे हैं। उनके पास है इस वक्त 12 पॉइंट, 2 मुकाबले उनके बाकी हैं। एक मुकाबला उन्हें खेलना है दिल्ली कैपिटल्स से, जो खेला जाएगा 14 मई को, जबकि दूसरा मुकाबला मुंबई से खेलना है, जो होगा 17 मई को। अब इन दोनों मुकाबलों को लखनऊ जीतती है तो 17 पॉइंट हो जाएंगे। अगर लखनऊ के कप्तान थोड़ा एफर्ट लगाते हैं तो हो सकता है रन रेट भी सीएसके से बेहतर हो जाए, जो बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा होता है तो लखनऊ 16 पॉइंट के साथ बड़े आराम से प्लेऑफ में एंट्री कर लेगी। अगर लखनऊ हार जाए, सवाल ये भी है, तो इसका जवाब है कि आरसीबी पहले सीएसके को हरा दे और लखनऊ अपना जो एक मुकाबला जीते उसे इतने मार्जिन से जीते कि उसका रन रेट आरसीबी से भी बेहतर हो जाए, तब एक चांस बनता है। यानी 10 ओवर में ही मुकाबला जिस तरह से हारे हैं उस तरह से 10 ओवर में जीत लें, तब बात बनेगी, इनका रन रेट आरसीबी से बेहतर होगा और ये प्लेऑफ में एंट्री कर सकते हैं, जो थोड़ा मुश्किल है। लखनऊ सिर्फ तभी पहुंचेगी जब लखनऊ दोनों मुकाबले जीतेगी। अगर बात करें दिल्ली की, दिल्ली ने 13 मुकाबले खेले हैं, 6 जीते हैं, 7 में हार मिली, 12 पॉइंट है। जैसे ही आरसीबी के खिलाफ हारे उनके चांस बहुत कम हो चुके हैं। अगर उनका रन रेट भी बेहतर हो जाता है आखिरी मुकाबला जीतकर, तब भी वो 14 पॉइंट के साथ प्लेऑफ में पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका रन रेट इतना कम है कि उसके सीएसके, आरसीबी सबको बीट करना पड़ेगा, जो बहुत कठिन है। बाकी किस्मत साथ दे तो पंत ये भी कर सकते हैं। एक टीम बचती गुजरात, 12 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं, 7 हारे हैं, 14 पॉइंट तक ये भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्हें किस्मत के घोड़े पर, कहते हैं 7-8 घोड़ों पर सवार होना पड़ेगा, जो अपने दोनों मुकाबले जीतें और इन दोनों मुकाबलों में अपना रन रेट इतना बेहतर करें कि +1 के ऊपर चला जाए, तब बात बनेगी गुजरात की। और गुजरात के जो मुकाबले हैं वो हल्के नहीं हैं। एक तो इन्हें KKR से खेलना है, जो आज ही खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला हैदराबाद से 16 मई को खेला जाना है, यानी गुजरात के चांस भी बहुत कम है। तो फिलहाल अब आपको क्या लगता है, चौथे स्थान पर कौन सी टीम होगी जो इस बार प्लेऑफ में एंट्री करेगी, आरसीबी, सीएसके या फिर लखनऊ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।